हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल शीट ओपन कर रखी है हमने और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं लाइन वाइज मैंने दिया है। यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब एक काम करता हूँ, ये रैंडमली मैंने जनरेट कराया है तो इसको पहले फिक्स कर देता हूँ यहाँ पर जाकर कॉपी करके, फिर यहाँ से जाकर के और फिर पेस्ट स्पेशल में जाकर इसे वैल्यू बना देता हूँ। ये नंबर्स मैंने रैंडमली जनरेट कराए थे, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर पता करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है या नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पर इज इक्वल टू स्मॉल फंक्शन यूज कीजिए आप। स्मॉल जैसे ही लगाया आपने तो यहाँ पे स्मॉल आ गया। अब आपको करना क्या है, ये पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। हमको पता करना है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा के लिए आप कॉमा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1। जैसे लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, आप एंटर करने के बाद ये रिजल्ट आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, ये आपको रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है ऊपर ही। यहाँ पर देखिए 32 अब नजर नहीं आने लगा। तो देखिए ना, इसमें 72, 60, 39, 39, 34, 50, तो इसमें सबसे छोटा नंबर तो 34 ही है जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसे मैं एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिखाएगी पड़ता रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 34 है, ठीक है, ये सबसे छोटा है। अब 34 से छोटा क्या है, 34 से छोटा 39 है। तो अभी ये तो यहाँ दिख रहा है, तो अभी इसको फॉर्मूले की मदद से करते हैं। तो यहाँ लगाता हूँ फिर से स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला लगा लिया हमने ये इस तरीके से। अब फिर वही रेंज हमें करनी है सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे कौन सा छोटा नंबर है इसमें वो पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 39 आ गया है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि तीसरे नंबर पे सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर जितना भी आपको पता करना हो इसी तरह से लिखते जाइए। ये देखिए ये स्मॉल आ गया और फिर यहाँ से पकड़ा हमने इसको और यहाँ तक ड्रैग करके ले आए और फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे 3। तीसरे नंबर पर जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 39 ही है, क्योंकि दो बार 39 है ना, तो इसलिए 39 ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, इसमें भी तो दिया हुआ है तो इसमें बात कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू इसमें हम बात कर लेते हैं बड़े नंबर की। तो यहाँ पे लिखता हूँ लार्ज, ठीक है। तो ये लार्ज का फॉर्मूला है और यहाँ से आप पकड़िए और आप देख पा रहे होंगे कि 75 के बाद 77 सबसे लार्ज नंबर है इसमें। तो पहले नंबर पे सबसे लार्ज कौन सा है, तो ऊपर आंसर दिख रहा है आपको 77, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं फिर से लार्ज, एल ए आर जी ई, लार्ज कर दिया हमने। अब दूसरे नंबर पे पता करना है कि सबसे लार्ज कौन सा है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, यहाँ पे 2 दे दीजिए क्योंकि दूसरे नंबर वाला लार्ज नंबर हमको पता करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तीसरे नंबर वाला लार्ज नंबर भी आ जाएगा। कब आएगा, जब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया था, तो यहाँ पे अब लार्ज नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। इज इक्वल टू एल ए आर जी ई, लार्ज लिखिए और फिर इस पूरे डेटा को कर जाइए सेलेक्ट कुछ इस तरीके से। अब तीसरे नंबर वाला लार्ज हमको पता करना है, तो एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए तीसरे नंबर वाला लार्ज आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है फिर से स्मॉल का, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये स्मॉल लगा दिया तो स्मॉल तो आ ही जाएगा, यहाँ पर आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ से पकड़िए इसको और बस कॉमा दीजिए। हम चाहते हैं कि पहले नंबर वाला सबसे स्मॉल जो नंबर है वो 6 है, वो आ गया। अब अगर क्या होगा, इसको नीचे मैं ड्रैग कराऊं, तो एक बार ड्रैग करा लेते हैं तो आप देखेंगे कि 666 आता चला जाएगा। जब तक कि हम उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।